आज आपका प्रोग्राम है ना, तो आप लोग को कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस मैम। कौन सा प्रोग्राम है आपका? क्रिसमस प्रोग्राम। क्रिसमस प्रोग्राम है, ठीक है। अपना अपना नाम बताओ आप। मैम आयुषी दीक्षा। और आपका नाम? कोमल। आयुषी दीक्षा और कोमल, आज सबका प्रोग्राम है। ये भी सारे बच्चों का प्रोग्राम है। सारे बच्चे यहाँ पर हैं हमारे पास। ये सारे बकरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। और इधर ये मंजूषी बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं तीनों। और ये परिये हैं हमारे। आपको कैसा लग रहा है आज प्रोग्राम है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो परी से पूछते हैं। परी झड़ो मत मर, आज कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है। आप परी बनके बहुत सुंदर दिख रही हो। आजा। ये हमारी मरियम बनी हुई है। ये मरियम से पूछते हैं, मरियम कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। ये है राजा। तो राजा भाई बताओ कैसा लग रहा है आपको? मैं तो काफी अच्छा लग रहा है, बार राजा का भाई। ओके, ये पहली बार राजा बना है इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। और ये है यूसुफ। यूसुफ कैसा लग रहा है आपको? मस्त। तो उसने मरियम को चुपके से छोड़ देने की सोचा, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। मरियम गर्भवती है, यह कैसे हो सकता है? वह तो एक भली स्त्री है। लोग क्या कहेंगे और मैं लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा? हाँ, मैं यह कर सकता हूँ कि मैं किसी को बताए बिना उसे छोड़ दूंगा और इससे मरियम की बदनामी भी ना होगी। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। जब वह इन बातों को सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई दिया और हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। वह जिस पुत्र को जन्म देगी तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के अनुसार मरियम को अपने यहाँ ले आया, और जब तक उसने पुत्र को जन्म न दिया तब तक वह उसके पास न गया। उन दिनों राजा अरस्तुत की ओर से आज्ञा निकली कि सारे देश के लोगों के नाम लिखे जाए, इसलिए यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम के साथ अपने घराने का नाम लिखवाने अपने नगर यरूशलेम गया। हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैं आज ही मरियम को अपने घर ले आऊँगा। देश के सारे लोगों को
करनी चाहिए। हमें कहाँ जाना होगा यूसुफ? मेरा नगर यरूशलम के बैतलहम है, हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है, मैं अभी तैयारी करके आती हूँ। मरियम के पुत्र को जन्म देने का समय पूरा हो चला था और रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगी। और हम राजा मेरा दोस्त के महल जा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलिए। बालक के जन्म का संकेत करता है, तो उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, उसका जन्म बैतलहम नगर में होना चाहिए और वह एक महान राजा बनेगा। बस आप लोग जाएं और उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम कीजिए जिसका तारा आपने देखा है, और अगर पता चल जाए तो मुझे भी आके समाचार दें ताकि मैं जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। महाराज की जय हो।
तब वह ज्योतिषी राजा की बात सुनकर तारे का पीछा करते हुए आगे बढ़े। उनके आगे आगे तारा चला और जहां बालक का जन्म हुआ था तारा वहां पहुंचकर रुक गया और वे अति आनंदित हुए। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तब ज्योतिषियों ने अपने अपने स्वप्न में चेतावनी पाई और वो राजा के पास नहीं गए परंतु अपने देश लौट गए। और राजा ने क्रोध और भय में आकर सभी 2 साल से नीचे छोटे बालकों को मरवा डाला। सैनिकों, आप जाओ और हमारे राज्य में ठीक ठाक मालूम करो और सभी 2 साल से छोटे उम्र के जन्मे बच्चों को मार दो। जो आज मारा।